थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको किसी भी फंड में 40% 50% का सालाना ग्रोथ दिखा रहा है, तो अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि वो नया फंड हो, इसीलिए उसमें ऐसे ग्रोथ ज़्यादा दिखा रहा है, अच्छे अच्छे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया गया हो एक साल के लिए, दो साल के लिए, ठीक है, इसीलिए आपको ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ग्रोथ दिखा रहा है। बट आप उसके फ्यूचर को नहीं जानते हैं और ना ही पास्ट को जानते हैं, इसीलिए आप अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों 10-20 साल के अंदर, क्योंकि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं। हाँ, अगर शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट ये भी आपको रिस्क है कि 40% का वहाँ पर ग्रोथ तो मिल चुका है, क्या अब वो ग्रोथ ऐसे 40% 50% का ग्रोथ वहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज़ पर ध्यान देना जरूरी है। राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पे, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ऐसे 15 दिन का समय लें और सोचें कौन सा म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, जहां पे हमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, जहां पे हमें 20% 25% का ग्रोथ ऐसे मिलते रहे। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर साल आपको 20% का 25% का ग्रोथ मिलेगा। अगर आप देखेंगे कि हमें 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या फिर ऐसे 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, उसका पास्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा जब से ये लॉन्च हुआ है तब से ये फंड ऐसे 25% का ग्रोथ दिया है, कोई फंड ऐसे 30% का ग्रोथ दिया है, कोई फंड 26% का ग्रोथ दिया है, इस तरह से ऐसे ग्रोथ ऐसे देते रहता है हर फंड। उस टाइप के अगर फंड में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है और आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलता है। अगर हम कैलकुलेशन भी करते हैं किसी फंड को लेके कि 500 रुपया महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर 1000 रुपया महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें करोड़ों का फंड तो तैयार होता है, बट यहाँ पे राइट जो म्यूचुअल फंड का नाम मैंने बताया है वो सेलेक्ट करना ऐसे जरूरी है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा ऐसे रिटर्न मिलता है, अगर आप वहीं पे रॉन्ग म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कम प्रॉफिट मिलेगा। नुकसान अगर नहीं होगा तो आपको कम प्रॉफिट मिलेगा, तो क्या आप कम प्रॉफिट लेना चाहते हैं? अगर आप कम प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेहिचक इन्वेस्टमेंट किसी भी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि इन्फ्लेशन 7.4% ऐसे चल रहा है दोस्तों। 7.4% इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि अगर 10% आपको ग्रोथ मिलता है, रिटर्न मिलता है किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो आपको वहाँ पे 7.4% उसमें से माइनस करते हैं तो 2.6% का ही आपको रिटर्न है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हर साल महंगाई दर ऐसे 7.4% अगर बढ़ रहा है और हमें 10% का रिटर्न मिलता है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको प्रॉफिट है। अगर आपको 15% से ऊपर का ग्रोथ मिलता है तो आप समझे कि हम ऐसे दोस्तों फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। फिक्स डिपॉजिट में बताते हैं कि 7% का रिटर्न मिलता है, 8% का रिटर्न मिलता है, 6% का रिटर्न मिलता है, तो अगर इन्फ्लेशन को देखा जाए तो वो तो माइनस में रिटर्न दे रहा है दोस्तों। इसीलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें और ऐसा पीरियड सेलेक्ट करें जो आपको ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देता है। अच्छा म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन होगा, आपका पैसे अच्छा ग्रो करेंगे, आप ऐसे करोड़ों का फंड आसानी से तैयार कर पाएंगे। नहीं तो 1 करोड़ का फंड तैयार करने के लिए आपको ऐसे 5-10 साल एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा? फिर आप कहेंगे कि मैंने YouTube पे वीडियो देखा और इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ पे हमें ऐसे रिटर्न अच्छा नहीं मिला। इसीलिए राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें, एक फिक्स अमाउंट सेलेक्ट करें कि हमें 5000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, 10000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है। आप अपने गोल के हिसाब से आपको 15 साल में आपको करोड़पति बनना है या फिर 20 साल में बनना है, एक हिसाब कर ले, कैलकुलेशन कर ले। जब तक आपका गोल ऐसे डिफाइंड नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों आपको ऐसे कम प्रॉफिट होता है और कम इन्वेस्टमेंट ही कर पाते हैं। अगर आप एक गोल डिसाइड कर लेते हैं तो आपको ऐसे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। इसीलिए हर काम को करने के लिए एक गोल होना चाहिए। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।